दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेप्टेबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं, वो आपके लिए कठिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है।